बढ़ते हैं, चूंकि मंच हमारा सज चुका है। हमारे खास मेहमान मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, कार्तिकेय शर्मा जी, और साथी दीपक सर भी हमारे साथ हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से कि प्लीज अब आप इस मंच को आगे संभालें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मंच की तरफ से, कार्तिक जी की तरफ से, पूरे इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभेच्छा और साथ ही साथ पर औपचारिक तौर पर स्वागत करते हैं। मैं भी आपका मुंबई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज कार्यक्रम में मैं यहां आ पाया और आप लोगों ने महाराष्ट्र को फोकस करके मंच महाराष्ट्र एक बड़ा ही अच्छा मंच यहां पर सजाया है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रश्नों के लिए इस पर चर्चा होगी, कुछ सार्थक बातें भी कही जाएगी और मैं इसलिए आप सभी का और सामने जो हमारे सारे दर्शक मौजूद है, मुंबई के बड़े बड़े लोग मौजूद है, उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, एक लंबा कार्यकाल आपका हो चुका है, कौन सा ऐसा एक फैसला है जिसने देवेंद्र फडणवीस के दिल को सुकून दिया कि करके आपको लगा कि वाकई ये करना जरूरी था और मैं ये करना चाहता था और आखिरकार मैंने महाराष्ट्र की जनता के लिए ये कर दिया? देखिए, ऐसे कई फैसले मैं बता पाऊंगा, चूंकि आपने केवल एक पूछा है, वैसे तो ये ज्यादा ठीक है या वो ज्यादा ठीक है इसका फैसला करना बड़ा कठिन है, पर एक हमारी सरकार का फैसला जो जनता को बहुत पसंद आया वो है हमारी जल परियोजना जलयुक्त शिवार। महाराष्ट्र में करीब 22,000 गांव ऐसे हैं कि जो पेरिनियल ड्राउट में जाते हैं, अकाल में जाते हैं, और महाराष्ट्र की अगर टोपोग्राफी देखे, हाइड्रोलॉजी देखे, जियोलॉजी देखे, तो केवल बड़ी परियोजनाओं के भरोसे हम इनको पानी नहीं दे सकते, हम इनको अकाल मुक्त नहीं कर सकते। और जब तक हम वाटर कंजर्वेशन का काम नहीं करेंगे तब तक ये गांव वाटर सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, और इसलिए हमने जलयुक्त शिवार ये योजना शुरू की जिसमें हर गांव का वाटर बजटिंग करना, जो वाटर शेड है उसको डेवलप करना, साइंटिफिक तरीके से उस गांव को वाटर न्यूट्रल करना, और इसके लिए पूरा का पूरा जनभागीदारी के माध्यम से ये काम को हमने शुरू किया। और आज एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि लोगों का इमेजिनेशन कैच हो गया और इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने उसमें जनभागीदारी दी, आज महाराष्ट्र में करीब 16,000 गांव ये हम लोग वाटर न्यूट्रल कर पाए। उस गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, गैर सिंचाई का पानी जितना आवश्यक है उतना पानी उसी गांव में लोग रोक पा रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस महाराष्ट्र को हम लोगों ने ये देखा कि भाई अकाल बारंबार आता है, उस महाराष्ट्र में अभी इन गांवों में रबी की फसल भी लोग ले रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी लोग कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जन भागीदारी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इन गांवों में आया है और लोगों ने खुद मेहनत की है, और अब लोग ये जानते हैं कि अपने भरोसे हम अकाल से लड़ाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस एक फैसले ने मुझे बहुत सुकून दिया है। आपको बहुत सुकून दिया, और वाकई में पीने के पानी की समस्या महाराष्ट्र में कितनी रही हमने देखा है, ट्रेन से पानी का पहुंचाना, वो एक तस्वीर भी लोगों के जेहन में आती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई की उस स्पिरिट को भी हमने देखा जिसको 26/11 के बाद देखा गया था। एक बड़ा वादा हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था कि मुंबई को शंघाई बनाएंगे, आपने कम से कम ये रहने दिया कि मुंबई को आप मुंबई ही रहने देना चाहते हैं, तो इस मुंबई के लिए और क्या सपने हैं आपके मन में? देखिए, मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इसकी अपनी एक पहचान है, और देश में मैं ऐसा मानता हूं कि जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, उन सभी के आकर्षण का केंद्र हमेशा मुंबई रहा है, और इसलिए हमने ये प्रयास किया कि मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर हम बनाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो मुंबई की मोबिलिटी है। कोई भी शहर अंतर्राष्ट्रीय तभी बनता है जब उसमें
हम लोग सीमलेस मोबिलिटी तैयार करते हैं। और आज हमने देखा कि हमारी जो लोकल ट्रेन है जो 60 70 100 साल पहले हमने तैयार की, वो लोकल ट्रेन मुंबई के 70 लाख पैसेंजर्स को रोज उसका उसके आवागमन की व्यवस्था करती है। लेकिन मुंबई में अगर हम लोग देखें तो आज बड़े पैमाने पर हमको ट्रैफिक दिखाई देता है। और किसी भी शहर को अगर हमको सस्टेनेबल शहर बनाना है तो हम लोगों को वहां पर पर्यावरण का भी विचार करना पड़ेगा, फास्ट मोबिलिटी का भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए हमने पहली बार यह निर्णय किया कि मुंबई में हम लोग मेट्रो का जाल बिछाएंगे। और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में इतने कम समय में इतने बड़े जाल की निर्माण कहीं पर भी नहीं हुआ। अभी मुंबई में करीब 256 किलोमीटर के मेट्रो को हमने मान्यता दी है, इसमें से 120 से ज्यादा किलोमीटर का काम शुरू हुआ है, बाकी काम भी हम लोग इसी साल या अगले साल तक शुरू कर देंगे। तो जो 70 सालों में 70 लाख प्रवासियों के आवागमन की व्यवस्था लोकल से हम कर पाए, उससे ज्यादा फास्ट, उससे ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और करीब ये नेटवर्क तैयार होगा तो 5 सालों में 90 लाख पैसेंजर्स के लिए नेटवर्क तैयार होगा। और इस नेटवर्क की दूसरी विशेषता यह है, ये ग्रीन है, ये फास्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये एलिवेटेड है इसलिए मुंबई में जो कोस्टल सिटी है जहां पानी भर जाता है और कई बार ट्रेनें बंद करनी पड़ती है पानी के कारण, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ये 365 दिन और 2400 घंटे चल सकता है, इस प्रकार का नेटवर्क हमने तैयार किया है। साथ ही में मुंबई को हम लोग कोस्टल रोड दे रहे हैं। मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जिस पर चलकर हम लोग यहां पहुंचे, ये 60% ट्रैफिक इसके ऊपर से जाता है। और इस ट्रैफिक को अगर हम लोग सीमलेस बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि वर्ली से बांद्रा एक सीलिंक हमने तैयार की, उसके कारण काफी सहूलियत हुई। अब नरीमन पॉइंट से वर्ली तक इस सीलिंक तक एक कोस्टल रोड जाएगा, और बांद्रा से वर्सोवा तक एक और सीलिंक जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो इसके कारण ये जो वेस्टर्न साइड है मुंबई की ये पूरे तरीके से सीमलेसली ऑपरेट कर पाएगी। दूसरा, हम लोगों ने मुंबई और न्यू मुंबई इनको कोऑर्डिनेट करने वाला एक ट्रांस हार्बर लिंक है। अच्छा, ये जिन प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं ये कोई मेरे कार्यकाल के नहीं है, 20 साल पहले विचार हुआ था लेकिन उसकी एक चिट्ठी भी नहीं हिली। ये सारे शुरुआत से लेकर इसके मान्यता से लेकर इसके लिए पैसा खड़ा करने तक सारा काम मैंने किया। मुंबई से न्यू मुंबई तक 22 किलोमीटर का ट्रांस हार्बर लिंक हम तैयार कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, समुद्री सेतु है। और ये 22 किलोमीटर के लिंक के कारण जो हमारा हिंटरलैंड है, जो न्यू मुंबई है, उसको हम मुंबई के साथ जोड़ रहे हैं। इससे बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई डीकंजेस्ट होगी। इसके साथ साथ मुंबई में हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट की भी अभी व्यवस्था की है, और इस बारिश के बाद हम लोग ईस्टर्न कोस्ट पर मुंबई में वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें रोरो सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो आज 100 किलोमीटर जो गाड़ियां घूमकर जाती है उसकी जगह वो सारी गाड़ियां एक बड़ी शिप में जाएगी, और शिप उनको दूसरे किनारे 20-25 मिनट में, आधे घंटे में ले जाएगी। तो पेट्रोल भी बचेगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा और समय भी बचेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक सीमलेस कनेक्टिविटी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने तैयार की है। साथ ही में न्यू मुंबई का एयरपोर्ट जो कई सालों से अटका हुआ था उसको भी हमने उसका काम शुरू कर दिया। और हमारे कंसेशनर तो ये कहते हैं कि दिसंबर 2019 में वो पहला रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग उसकी शुरू कर देंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें जो की है मुंबई के लिए, न्यू डेवलपमेंट प्लान हो, ऐसे कई चीजें मुंबई के लिए इस सरकार ने की है जो कई वर्षों से चीजें नहीं हो पाई थी, उन चीजों को करने का प्रयास किया। एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस समय ये चाहते हैं कि ट्रैफिक सीमलेस हो उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन ये महत्व का है, और मुंबई में उसका इंटीग्रेशन हमने शुरू किया है। और हम लोग जल्दी सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक सिंगल टिकट पर लॉन्च करेंगे, जिसमें मेट्रो होगा, जिसमें मोनो होगा, जिसमें सबर्बन रेलवे होगी, जिसमें बस भी होगी और जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट भी होगा। तो ये सारा जो इंटीग्रेशन होगा इसके कारण मुंबई के किसी भी भाग से किसी भी भाग में एमएमआर के आप तकरीबन एक घंटे में पहुंच पाएंगे,
और कहीं पर भी आपको अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का इसका इंटीग्रेशन करके इसको सिंगल टिकट के ऊपर हम लोग ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा फायदा मोबिलिटी के माध्यम से मुंबई को होगा। मुंबई की मोबिलिटी अगर और बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल से शहर कितना खूबसूरत और सुंदर हो जाएगा उसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। लेकिन सर अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा किसानों का है। किसानों के मुद्दे के चलते यहाँ पे बाकी मुद्दे थोड़े गौण हो जाते हैं। ये कहें कि किसानों का मुद्दा पूरा देश में ही उतना बड़ा है तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र के किसान भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका कर्जा माफी कर दें, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों 4 साल गुजर जाने के बाद भी कर्ज माफी की वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, या उसको उसकी सहायता किसी और मत से देने का आपका मन है? नहीं, महाराष्ट्र ने कर्जा माफी कर दी और हमने देश में ये एकमेव राज्य ऐसा है जिसमें हमने लैंड होल्डिंग की कोई उसके ऊपर शर्त नहीं रखी। और आप देखिए तो कर्नाटक ने 50,000 का किया, किसी ने 1 लाख का किया, हमने 1.5 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया। और इसमें लगातार निर्णय हम लोग ले रहे हैं, जैसे जैसे अड़चने आती है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक करीब करीब 40 लाख किसानों को कर्ज माफी मिल चुकी है और 10 लाख किसानों का काम अभी चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कुछ अड़चने थी तो वो भी निर्णय लिए है, उनके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कर्जा माफी करते समय हमने ऑनलाइन पद्धति से इसको किया, ताकि पिछले बार जब केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की थी तो आप देखिए उस कर्ज माफी में महाराष्ट्र में करीब 7,000 करोड़ की कर्ज माफी मिली थी, लेकिन उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट में बहुत बड़ी धांधली लोगों ने सामने लाई थी और उस समय 5 एकड़ से नीचे के किसानों को मिली थी। तो विदर्भ या मराठवाड़ा जो एक्चुअली आत्महत्याओं का केंद्र रहा है, यहां के किसानों का होल्डिंग ज्यादा है तो उनको बाहर रखा गया था, लेकिन हमने सबको साथ में लेकर ये कर्जा माफी हमने की है। और इसके साथ साथ हम लोग किसानों के लिए कई चीजें कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एमएसपी से खरीद, ये एक बड़ा काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। आप देखिए अगर हम पिछली सरकार के 15 साल देखें तो पिछली सरकार के 15 सालों में सरकार ने एमएसपी से जो खरीद की उसकी कुल कीमत 450 करोड़ है, महज 450 करोड़। और 3 सालों में हमने जो खरीद की है उसकी कीमत है 8,000 करोड़ रुपया। तो कुल मिलाकर हम लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों को हम किस प्रकार से राहत दे। विशेष रूप से महाराष्ट्र में सिंचाई केवल 18% थी, आज उसको हमने बढ़ाया है और जलयुक्त शिवार के कारण और करीब करीब 5 लाख हमने कृषि पंप दिए जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसान रबी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच से। हमने देखा है कि थोड़ी सी बारिश हुई और मुंबई और दिल्ली दोनों पानी पानी हो गए। इसकी सर बेसिक समस्या क्या है? क्या ड्रेनेज सिस्टम इसकी समस्या है, मुंबई की बनावट इसकी समस्या है, चूंकि रिक्लेमेशन ग्राउंड है पूरा का पूरा वो इसकी समस्या है? समस्या क्या है, पानी निकल क्यों नहीं पाता? देखिए मूल रूप से मुंबई एक कोस्टल शहर है, इट्स अ कोस्टल सिटी, और तटीय शहरों में और विशेषकर मुंबई जैसे शहर में जिस समय बहुत बारिश होती है और उसी समय हाई टाइड जब आता है तो आखिर ये पानी जाने कहां वाला है? वो तो जाने वाला है समुद्र में। और हाई टाइड के कारण हाई टाइड का प्रेशर ये जाने वाले पानी से ज्यादा होता है, उस समय पानी बाहर उसकी निकासी नहीं हो सकती। और हाई टाइड के कारण जब तक हाई टाइड होता है तब तक ये पानी बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका ने कुछ उपाय योजना भी की और कुछ हाई प्रेशर पंप्स लगाकर पंपिंग स्टेशन तैयार किए। तो आपने देखा होगा कि हर साल
ये दिक्कत थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, पूरी गई ऐसा मैं कहता नहीं हूं, अभी भी है पर कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे पंपिंग स्टेशन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हाई टाइड के समय भी पानी पंप किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-2.5 सालों में जब सारे पंपिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे तब मुंबई में हाई टाइड के समय भी हम लोग प्रेशर से समुद्र में पानी फेंक पाएंगे और उसके कारण ये जो मुंबई में पानी की समस्या आपको दिखाई पड़ती है ये खत्म होगी। लेकिन दूसरी एक चीज भी हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि ये सारी चीजों के बावजूद जिस समय, क्योंकि हम लोग जब कोई ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसके डिजाइन करते समय 50 ईयर्स का जो एवरेज होता है उस एवरेज को पकड़कर साधारणतः ड्रेनेज सिस्टम ये तैयार होती है। और जब टॉरेंशियल रेन होते हैं, जब एक दिन में एक महीने की बारिश होती है या चंद घंटों में पूरे साल की बारिश होती है, ऐसे समय आपकी ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन नहीं होता कि वो उसको बाहर फेंक पाए, ऐसे समय कई बार तकलीफें होती है। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई फिर आप बहुत बड़ी ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं डिजाइन कर देते, तो हम लोग एक अभाव की अर्थव्यवस्था में जीते हैं और इसलिए हम लोग ओवर डिजाइन नहीं कर सकते, हम लोग एवरेज डिजाइन ही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर का उपाय ये पंपिंग स्टेशन है, ये पंपिंग स्टेशन जैसे पूरे हो जाएंगे तो हाई टाइड के समय भी मुंबई ये हम लोगों को बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ेगी। कुछ सर, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है उसका महाराष्ट्र में कितना फायदा मिला, कितनी इन्वेस्टमेंट आई और कितना कन्वर्ट हो सका, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए मैं दो इंडिकेटर्स आपको जरूर बताना चाहूंगा महाराष्ट्र के बारे में। एक तो देश में अगर हम 2012-13 देखें तो साधारणतः देश में जो निवेश आता था उसमें एक नंबर पे कभी दिल्ली होता था, दो नंबर पे गुजरात होता था, तीन नंबर पे कर्नाटका होता था, हम 4 नंबर पे होते थे और कुल निवेश के 10-12-15% निवेश हमको मिलता था। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों को देखें तो मेक इन इंडिया के बाद महाराष्ट्र ने एक बड़ी ऊंचाई ली है और एक साल छोड़कर उसके पहले का साल हम अगर उसका विचार करें तो देश में कुल जितना एफडीआई आया, जितना निवेश आया उसमें से 47% ये महाराष्ट्र में आया, देश के 47%। और उसके बाद के तीनों राज्यों को एक साथ भी मिलाया जाए तब भी हमारे इतना निवेश नहीं आया। फिर पिछला साल जो गया उसमें भी 43% देश में जितना निवेश आया उसका 43% निवेश ये महाराष्ट्र में आया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि निवेश के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है। और अभी अभी केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीनों का फॉर्मल सेक्टर में कितने जॉब्स क्रिएट हुए इसके बारे में एक डेटा रिलीज किया है, उस डेटा में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है और करीब 8 लाख फॉर्मल सेक्टर्स के जॉब्स ये महाराष्ट्र में क्रिएट हुए, ये भी उस डेटा के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। अगर हम अलग अलग प्रकार के जो रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को भी देखें तो जैसे ड्वाइज बैंक का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये कहता है कि विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ये रिपोर्ट है, इसमें वो कहता है कि देश में जो बड़ी परियोजनाएं चल रही है 20 मिलियन से ऊपर की, इसमें से 51% परियोजनाएं महाराष्ट्र में चल रही है देश की, ये ड्वाइज बैंक कहता है। नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आज महाराष्ट्र में हो रहा है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है। फ्रॉस्ट एंड सुलिवान का रिपोर्ट अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि देश में उन्होंने जो अलग अलग मानकों के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें उनके 2017-18 के रिपोर्ट में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र ने पिछले 3 वर्षों में जो एक हमारी पास्ट ग्लोरी थी, 10-15 साल पहले महाराष्ट्र के आसपास भी कोई नहीं था, आज वो स्थिति है विदेशी निवेश में और कुल निवेश में महाराष्ट्र के आसपास भी कोई नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र आगे जा रहा है। इसीलिए शायद देश में कहते हैं कि महाराष्ट्र में राजधानी जो है मुंबई वो देश की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए वाकई इसका नाम चरितार्थ होता है एक आर्थिक राजधानी के तौर पर। सर थोड़े राजनीतिक मुद्दों की तरफ मैं आऊं तो आपकी पंढरपुर यात्रा न होने के कारण एक वर्ग में, मराठा वर्ग में नाराजगी रही
क्या कारण था कि आपने वो पंढरपुर यात्रा कैंसिल कर दी और वहां पर आप नहीं जा सके जो परंपरागत वहां की यात्रा होती है उसके लिए? देखिए, पंढरपुर में एक परंपरा है कि वहां पर 10-15 लाख लोग आते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री जाकर पूजा करते हैं। 3 साल मैं भी गया, इस साल भी मैंने जाने का तय किया था, किंतु वहां पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे और विशेष रूप से जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं की थी, मुझे तो झड़ प्लस सिक्योरिटी है, मुझे तो हेलीकॉप्टर से पंढरपुर उतरना है, मेरी गाड़ी में बैठना है जो बुलेट प्रूफ है और मंदिर में जाकर पूजा करना है, पर 15 लाख लोग आसपास है और जिस प्रकार से वहां पर उनमें डर पैदा किया जा रहा था या जिस प्रकार से योजनाएं तैयार की जा रही थी कि वहां पर उनमें डर पैदा किया जाए, तो हमारे ध्यान में आया और पुलिस ने जिस प्रकार का रिपोर्ट तैयार किया उसमें ध्यान में आया कि एक प्रकार से स्टैम्पेड हो सकता है इतने सारे लोगों के रहते, और इसलिए मैंने यह कहा कि मैं प्रेस्टीज इश्यू इसको नहीं करना चाहता। देखिए, मैं अकेला तो कभी भी चला जाऊं मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, लेकिन वहां पर अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हो और ये 15 लाख लोग एक दूसरे के ऊपर चले जाए, वहां पर स्टैम्पेड हो जाए, तो इसके कारण एक बहुत ही भयानक ऐसी परिस्थिति तैयार हो सकती है। इसलिए मैंने घोषित किया कि मैं विट्ठल भगवान की पूजा मेरे घर पर भी कर सकता हूं, मेरे लिए ये जो 15 लाख लोग यहां पर है ये महत्व के है और इसलिए मैंने नहीं जाने का तय किया, और वहां पर जो वारकरी है उन्होंने उसका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत किया और ये आपकी एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसका कई समाज के लोग बुरा मान गए और बुरा मानने के साथ साथ उन्होंने एक उग्र आंदोलन भी शुरुआत कर दी मराठा आंदोलन के तौर पर, मराठा आरक्षण के तौर पर। उसको आप कैसे देते हैं, क्योंकि आज आप पहली बार मंच पर हैं इस आंदोलन के सामने आने के बाद, और इसलिए ये अवसर मुझे लगा कि बहुत उचित है मैं आपसे इस पर एक बात। देखिए, कुल मिलाकर मराठा आंदोलन की जो परिस्थिति है, मराठा समाज का रिजर्वेशन के लिए आंदोलन जो है ये पिछले 30 सालों से चल रहा है और कई सरकारें आई कई सरकारें गई, पर हमारी सरकार ने आने के बाद, हमारी सरकार ये पहली सरकार थी जिसने मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए कानून तैयार किया, और कानून तैयार होने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसको हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ न देते हुए वापिस हाईकोर्ट भेजा, फिर हम लोग हाईकोर्ट में आए और वहां पर भूमिका ऐसी बनी कि अगर रिजर्वेशन देना है तो बैकवर्ड क्लास कमीशन ये जब तक उसके बारे में रिपोर्ट नहीं देता तब तक इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, आज उसका काम चल रहा है, आने वाले 2-3 महीनों में उसका रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आने के बाद वापिस हम हाईकोर्ट के सामने जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार ने प्रामाणिकता के साथ इस आरक्षण को देने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ केवल आरक्षण देकर हम नहीं रुके, तो मराठा समाज के लिए हमने कई योजनाएं तैयार की, जैसे उच्च शिक्षा में जो आज बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसकी फीस बहुत ज्यादा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उसमें भी 50% फीस सरकार भरेगी, ये निर्णय हमने किया। करीब एक महामंडल के माध्यम से जो मराठा समाज के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने इसके लिए उनको कर्जा मिले इसकी व्यवस्था हमने खड़ी की, हॉस्टल्स की व्यवस्था हम लोग खड़ी कर रहे हैं, एक सारथी करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार की जो मराठा समाज के अलग अलग प्रकार के जो बिंदु है इन बिंदुओं के ऊपर अभ्यास करके और समाज को किस प्रकार से आगे ले जा सके इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। तो ऐसे कई चीजें हम लोगों ने मराठा समाज के लिए की। अब रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने उनको भी ये समझा के बताया, और जो इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सुधने लोग हैं जिनको ये समझता है वो लोग भी जानते हैं कि इस समय सरकार ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये कोर्ट के पास ये गेंद है, लेकिन सरकार ये जरूर कर सकती है कि उसको एक्सपीडाइट करे, और उसको करने का काम सरकार ने किया है। नहीं, लेकिन कोर्ट के पास चूंकि गेंद है और आपको पता है कि एक सीलिंग 50% की सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, उसके बाद लोगों को ये लगता नहीं कि संभव हो पाएगा, सबको लगता है आई वॉश है, क्योंकि सरकारें दे तो देती हैं आरक्षण पर कोर्ट में जाके फिर अटक जाता है, पिछली सरकार ने भी दिया आपने भी दिया मामला कोर्ट में ही फंसा हुआ है।
देखिए 50% का सीलिंग तो सही है, पर आज महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है और राज्य में भी ज्यादा आरक्षण है। तो जो काफी पहले कर लिया नहीं था। नहीं 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए, उसी आदेश में उन्होंने ये कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकवर्डनेस अगर डिमोन्स्ट्रेट हो पाए तो 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। और ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसका ही ये काम है कि वो ये असेस करे कि ये एक्सट्रीम बैकवर्डनेस है या नहीं है, और अगर है ऐसा उसको लगता है तो आरक्षण 50% से ऊपर जा सकता है, अगर नहीं है ऐसा उसको लगता है तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करके बैकवर्डनेस के सारे जो पुरावे हैं उनको देने का काम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग अगर एक सही रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दायरा तय किया है उस दायरे में हम लोग इस रिजर्वेशन को दे पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो दायरा बढ़ाया गया तो वो सबको लगता है कि पूरे देश के अंदर कोई ना कोई समाज आरक्षण मांग ही रहा है, तो एक पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और सरकारों के लिए बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोर्ट को ऐसा लगता है, कानूनविदों को ऐसा लगता है? देखिए इसको दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। एक और हम ये भी कह सकते हैं कि पेंडोरा बॉक्स ओपन होगा, दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनिटीज आगे नहीं बढ़ पाई उनको आगे बढ़ने के लिए अगर हम लोग व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे तब भी देश में अराजक आएगा। तो हम लोगों को दोनों प्रकार से इसकी तरफ देखना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण मीडियम है, लेकिन वो ओनली मीडियम नहीं है, केवल उसके माध्यम से समाज आगे नहीं जा सकता, वो एक बहुत प्रभावी माध्यम है, उसको भी लाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ और अलग अलग प्रकार से हम लोग शिक्षा में क्या सुधार करें, ज्यादा लोगों को शिक्षित कैसे करें, रोजगार के अलग अलग अवसर क्या तैयार करें, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रयास ये लगातार किया है। सर आपने मराठा आरक्षण से जुड़े लोगों से बातचीत करने की बात कही थी आखिरी दिन जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया, खत्म हुआ, क्या उस बातचीत के लिए आप अभी भी राजी हैं और क्या आप मराठा समुदाय के उन प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करते हैं या आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप आइए हमसे बातचीत करिए? देखिए हमारी सरकार ने हमेशा बातचीत का ही मार्ग रखा है, हम लोग लोकतंत्र में, बातचीत ये सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि हम जब आमने सामने बैठते हैं तो जो एस्पिरेशंस होती है, जो विचार होते हैं, ये सारे विचारों के ऊपर हम लोग जवाब ढूंढ सकते हैं। और इसलिए मैंने ये भूमिका हमेशा ली है कि आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हमारे से चर्चा कीजिए। आज भी मेरा कहना है, और कुछ लोग चर्चा कर भी रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर मैं ये चाहता हूं कि सारे के सारे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये लोग अगर सामने आएंगे, चर्चा करेंगे, तो चर्चा में से सार्थक निर्णय हम लोग कर पाएंगे। चर्चा में से वाकई सार्थक निर्णय होगा, लेकिन बात जो मुद्दा अटका हुआ है वो 72,000 सरकारी नौकरियों पर है कि इसमें हमको आरक्षण मिले, क्या उन 72,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती रोकी जाएगी या उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करके रख दिया जाएगा कि ये 16% उनके पद हैं, जब कोर्ट इस पर आदेश करेगा तब हम इन पदों को भरेंगे? लेकिन मैं पहले इसकी घोषणा कर चुका हूं कि हम लोग 16% पदों को नहीं भरेंगे, उसको हम खाली रखेंगे और कोर्ट तभी उन पदों को भरा जाएगा। तो मैंने यही बात कहने की कोशिश की कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक 16% पद रहेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। और आज जो लोग एज बार हो रहे हैं, मराठा समाज के भी जो लोग एज बार हो रहे हैं, आज ओपन में तो वो आ ही सकते हैं, अगर आज उनका यह अवसर हम लोग खत्म कर देंगे तो कल आरक्षण मिलने के बाद भी वो एज बार हो जाएंगे तो शायद उनको फिर कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। और इसलिए मैंने ये भूमिका रखी है कि भाई इसमें से बीच का मार्ग ये है कि 16% पदों को हम लोग खाली रखें और बचे हुए पदों को भरें, इसके ऊपर ही चर्चा मेरी चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि 16,000 से आने वाले सरकारी कामकाज में किसी तरह का हर्जा होगा या नुकसान होगा अगर उन पदों को नहीं भरा जाता है तो? कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो किसी भी सरकार में अलग अलग विभागों में 15-20% पद ये हमेशा खाली होते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आप पद भरते हैं पद खाली होते हैं। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आजकल तो सरकारों में ये प्रयास चल रहा है कि हम पद कम कैसे करें, तो इसलिए बेयर मिनिमम पदों के ऊपर ही सरकार चलती है। बेयर मिनिमम
क्योंकि राजनीतिक बात कर रहे हैं तो ये वाजिब है कि पूछा जाए कि कभी शिवसेना आपको धमकाता है, कभी आप उनको अपनी जगह दिखाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवसेना और बीजेपी ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। करीब 25 साल हम लोग साथ में रहे, पिछले विधानसभा में हम लोग साथ में नहीं रह पाए, लेकिन विधानसभा के बाद हम साथ में आए और हमने सरकार तैयार की। उनके कुछ व्यूज है, हमारे कुछ व्यूज है। एक कॉमन हमारा जो हमको जोड़ने वाला सूत्र है वो व्यापक हिंदुत्व का और राष्ट्रीयत्व का एक सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय विचारों के लोग इस रूप से एकत्रित आते हैं। तो कई विचार उनके हमको नहीं पसंद है, हमारे कुछ विचार उनको पसंद नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा संघर्ष भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो पिछले 3.5-4 सालों में महाराष्ट्र में सरकार चलाते हुए करीब करीब सारे फैसले ये शिवसेना ने और बीजेपी ने साथ में लिए हैं। कुछ चीजों के ऊपर उनके एक्सट्रीम व्यूज है तो हम लोगों ने बातचीत करके उसमें से मार्ग निकाला है। आखिर लोगों का जो मैंडेट होता है, देखिए 20 सीटें हमको कम पड़ी तो लोग ये चाहते थे कि हम उनको साथ में लेकर काम करें, इसलिए हम उनको साथ में लेकर काम कर रहे हैं। 20 सीटें हमको मिल जाती तो क्लियर हमारा मैंडेट होता। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने ईगो से ऊपर जाकर लोगों के लिए हम क्या कर पाए, यही प्रयास हम करते हैं। लेकिन सर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिवसेना के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता। क्या आपको ये लगता है कि वाकई में कोई सम्मान की कमी है या उनके जो ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा? मैं बड़ा ब्लंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, मैं देखिए, ईगो का तो कोई सवाल नहीं उठता, राजनीति में ईगो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि हमारी ओर से पूरा सम्मान देने की कोशिश हम करते हैं। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, हमने तो हमेशा ये माना है कि हमारी जो सरकार है उस सरकार में शिवसेना के जो प्रमुख है श्री उद्धव ठाकरे जी, ये एक प्रकार से सरकार के मार्गदर्शक है और इसलिए हम उनसे चर्चा करते हैं। कई बार उनसे कोई सुझाव आता है तो सुझाव को हम मान्य करते हैं। कुछ परिस्थितियों के ऊपर वो कोई भूमिका लेते हैं तो उस भूमिका को हम समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है सम्मान की कोई बात नहीं है। और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक नेचुरल रूप से, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो, राज्य की भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इनके लिए एक व्यक्तिगत प्रेम ये भारतीय जनता पार्टी में हमेशा देखा गया है। हमने कभी उनको अलग नहीं माना और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में जिस प्रकार से आदर हमारे मन में है, उसी प्रकार से शिवसेना के लिए भी हमारे मन में वैसी ही जगह है। तो मुझे लगता है अगर कोई इस प्रकार की भूमिका है या ऐसा कोई लगता है कि अनादर हो रहा है तो उसको दूर किया जा सकता है। पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव, शिवसेना तो कह चुकी है हम अकेला लड़ेंगे, आपको क्या लगता है दोनों का अलायंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, राजनीति में अलायंस जो होता है ये परिस्थितियां तय करती है और कोई भी पार्टी जो होती है ये चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। केंद्र में और राज्य में हम लोग रोज साथ में काम कर रहे हैं, एक सरकार में काम कर रहे हैं। वो तो छापते रहते हैं कि चेहरा नहीं देखना हम। नहीं, देखिए, छापना तो अलग बात है, छापने के लिए मैं आपको सच बताता हूँ, वो सारी चीजें आप ही लोग पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है। वाकई में? हाँ, हम नहीं पढ़ते। मतलब सामना की कॉपी आपके घर नहीं आती? नहीं, हम नहीं पढ़ते। वर्षा में नहीं आती? हाँ, आप ही पढ़ते हैं, आप लोग ही पढ़ते हैं उसका, आप ही। हम तो जो उद्धव जी ठाकरे अपने जबान से बोलते हैं उसको बिलीव करते हैं। लिखी लिखाई बातों पर, कही कहाई बातों पर, कही सुनाई बातों पर हम कोई विश्वास नहीं करते। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, देखिए, अगर साथ में नहीं लड़ेंगे क्या हमारा नुकसान होगा? उनका भी होगा, उनको भी समझता है। जब वोट स्प्लिट होता है और कांग्रेस एनसीपी साथ में लड़ेगी और हम लोग अलग लड़ेंगे, वोट स्प्लिट होगा तो दोनों का कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने विचारों की सरकार को छोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी चुनकर आए इस प्रकार की कोई कारतूत करे या कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ा आपको भरोसा है इस बात का और आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार ये मामला भरोसे से आगे इस पॉइंट तक चला गया था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर बात करेगा और अंततः आखिर समय में ये अलायंस टूटा था। अब देखिए, पिछले समय टूटा लेकिन उसके बाद वापस हम साथ में आ गए, एक सरकार में चला रहे, साथ में काम कर रहे। तो ये राजनीति में हर चीज जो होती है,
समय का तकाजा होता है, उस समय की परिस्थितियां होती है। मूल रूप से विचारों से हम लोग काफी पास में हैं, कई विचार हमारे एक साथ मिलते हैं, कुछ विचार नहीं भी मिलते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर नेचुरल अलायंस हमारा किसी के साथ हो सकता है तो शिवसेना के साथ हो सकता है। मतलब आप अभी भी मानते हैं कि वो नेचुरल अलाई है, चाहे वो लोकसभा में कोई भी रोल निभाए, सामना में कुछ और रोल निभाए, पब्लिक में कुछ और रोल निभाए और पार्टी के अंदर कुछ और रोल निभाए, मल्टी कैरेक्टर फिल्म है वो। देखिए अब ये कैसी फिल्म है ये तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हमारे लिए तो जो फिल्म हमने तय की है वो बराबर चल रही है। आपकी फिल्म बराबर है और क्लाइमेक्स बिल्कुल ठीक होगा? क्लाइमेक्स बिल्कुल ठीक होगा, और आपको पता है आपने हिंदी फिल्म है, क्लाइमेक्स में हीरो ही जीतता है, हम जीतने वाले हैं। सर मैं एक पुराना किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। 95 में जब सबसे पहले बार मनोहर जोशी जी और गोपीनाथ मुंडे जी की सरकार बनी थी और मनोहर जी मुख्यमंत्री थे और गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री, तब मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था शिवसेना और भाजपा के रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने बोला हम दोनों पति पत्नी की तरह हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं लेकिन रहते साथ में एक ही हैं। मैंने उनसे पूछा फिर पति कौन है और पत्नी कौन है, इसमें ये बता दीजिए। उनका जवाब बड़ा खामोश था, आपने तो अपने आप को हीरो बता दिया, मतलब दूसरी पोजीशन में आप शिवसेना को मानते हैं। नहीं जी, मैंने तो अलायंस को हीरो बताया, अपने आप को थोड़ी बताया मैंने हीरो। अलायंस जो हमारा वो हीरो है, आप चिंता मत करिए। और जहां तक ये पति पत्नी वगैरह सारे डायलॉग है, आजकल इसके ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते। अगर आपने किसी को पत्नी बोल दिया, अब आपको पता है कि पति बोलना और पत्नी बोलना दोनों के अपने अपने मायने होते हैं, और जो कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बात करने वाले पति अपनी पत्नी से भी डरते हैं। और सच बात तो यह है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी से डरता है, देखिए वो कोई नई बात नहीं है। तो पति पत्नी वगैरह ये जो विश्लेषण है इसको मैं नहीं मानता। चलिए आपने बड़ी अच्छी बात बोली और सबको दिल को छू गई यहाँ पर हॉल के अंदर। आगे बढ़ते हुए सर, राज ठाकरे ये भी मनसे के एक नेता है, उन्होंने कल एक बयान दिया और उसके अंदर ये कहा कि लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े, अपने घरों में नमाज पढ़े और लाउड स्पीकर न लगाएं। ऐसे बात पर या इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एज अ चीफ मिनिस्टर? देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म के लोगों को उनकी आराधना का अधिकार है, और इस अधिकार का उपयोग अगर कानून के दायरे में रहकर वो करते हैं तो उसकी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। कानून का दायरा अगर टूटता है तो चाहे किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार का काम भी यह है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारी सरकार में हमेशा यही भूमिका रखी हुई है, और इसके ऊपर कुछ हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी कुछ निर्णय दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन निर्णयों के अनुरूप ही सरकार काम करती है। मॉब लिंचिंग की अगर बात की जाए तो हाल ही में महाराष्ट्र में भी इस कदर की घटनाएं हुई थी, आप सरकारों के रोल के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि उससे कहा ही मॉब लिंचिंग जाता है, यानी एक भीड़ बिल्कुल अज्ञानतावश या किसी अन्य कारण से या किसी के उकसाने पर एक व्यक्ति को इतना पीटती है कि उसकी हत्या हो जाती है। आपका एज अ चीफ मिनिस्टर इस पर क्या टेक है और आप इसे रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए मॉब लिंचिंग ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही खराब और बहुत ही जिसका हम लोग कड़े से कड़े शब्दों में जिसकी निंदा करें, इस प्रकार की ये बात है। किसी भी परिस्थिति में मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं किया जा सकता। जहां तक महाराष्ट्र की घटना का सवाल है, विशेष रूप से अफवाहों के कारण जो घटना महाराष्ट्र में घटी और बिल्कुल दूर दराज के एक गांव में एक बड़े ही पिछड़े समाज के कुछ लोग, गांव भी पूरा आदिवासी गांव है, पिछड़े समाज के लोग वहां पर गए और किसी ने अफवाह फैला दी कि बच्चे चुराने आए हैं, और जितनी निर्ममता के साथ उनको मारा गया, मैं तो ऐसा कहता हूं कि कभी कभी जानवर से भी ज्यादा व्यक्ति बदतर इस प्रकार का व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार वहां पर हुआ। और हमने इसके बाद कई कड़े कदम उठाए, विशेष रूप से अफवाहों के ऊपर विश्वास लोग न रखे, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जन जागृति की है। मूल रूप से सोशल मीडिया के एक ऐसे फेज में हम लोग हैं जहां अभिव्यक्ति का स्वातंत्र तो होना ही चाहिए, इसके बारे में किसी का कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज किस प्रकार से हम रोके एज अ सोसाइटी हम लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे।
और इसके कारण हम चाहे जितने झूठ चाहे जितनी बरगलाने वाली बातें ये सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कई बार लोग उसके ऊपर विश्वास रख के अलग अलग प्रकार से आंदोलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनली हमको ये विचार करना पड़ेगा समाज के रूप में इसके ऊपर हम कैसे अंकुश करें। चूंकि ये नया और इमर्जिंग फील्ड है तो इसके जो वैल्यूज है इसके जो तत्व है ये हम लोग तैयार नहीं कर पाए। समाज को भी इसके तत्व तैयार करने पड़ेंगे और देश को भी इसके तत्व तैयार करने पड़ेंगे। हम लोग इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते और उसके साथ साथ इस प्रकार से अफवाह फैलाकर देश में अराजकता तैयार हो इसके ऊपर भी हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी कार्रवाई हमने करनी चाहिए। विपक्षी लोग कहते हैं कि जानबूझकर ऐसा हो रहा है और उसका कारण वो ये बताते हैं कि जो डिस्कशन है या देश का डिस्कोर्स है वो बदल जाए इसके लिए बीजेपी के कुछ समर्थित गुट ही इसको कराते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए मूल रूप से विपक्ष के पास आज मुद्दे नहीं बचे। केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से देश में काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे जा रहा है विकास के मुद्दे पर हमसे बहस नहीं कर सकते, निवेश के मुद्दे पर हमसे बहस नहीं कर सकते, किसी भी मुद्दे के ऊपर ये लोग हमसे बहस नहीं कर सकते और इसलिए लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश हो रही है। देखिए मॉब लिंचिंग खराब तो है ही पर उसके लिए मोदी जी को कैसे दोषी करार दिया जा सकता है? अरे भाई ये तो राज्यों का काम है, अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी होंगे। अगर उड़ीसा में होता है कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी होंगे। तो मुझे यह लगता है कि मूल रूप से ये मानसिकता ही खराब है और एक प्रकार से इसको आगे लाकर जो हमारा डिस्कोर्स है जो डिस्कोर्स विकास की ओर होना चाहिए आम आदमी के जीवन को कैसे बदले इसकी ओर होना चाहिए उसको बदलने की कोशिश ये विपक्षी ओर से की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की राजनीति देश के हित में नहीं है। बिल्कुल इस तरह की राजनीति देश के हित में नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2019 के मद्देनजर एक डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है जो कम्युनल लाइंस पर है, क्योंकि उस कम्युनल लाइन की डिवाइड को लेकर ही पूरा विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है? जी बिल्कुल ये स्पष्ट है। जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका सामने आ रही है विपक्ष एक प्रकार से कम्युनल डिवाइड तैयार करना पाता है, जातियों में समाजों में धर्मों में एक प्रकार की अस्वस्थता पैदा करना चाहता है। देखिए वोट के लिए इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे ये राष्ट्रहित में नहीं है। इस राष्ट्र के निर्माण में जिन लोगों ने बलिदान दिया है जिन लोगों ने प्रयास किया है ऐसे सारे लोगों के प्रयासों से आज देश दुनिया के प्रमुख देशों में आया है। जिस प्रकार से दुनिया हमारी ओर देख रही है आज दुनिया का चीन से मोहभंग हो चुका है और पूरी दुनिया ये मानती है कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आने वाले दिनों में दुनिया का सिरमौर कोई बन सकता है, दुनिया के लिए निवेश का कोई केंद्र बन सकता है, दुनिया के विकास के लिए दुनिया की संस्कृति के लिए कोई एक आधारशिला बन सकता है तो वो भारत है। धीरे धीरे ये भूमिका बन रही है। ऐसी भूमिका बनते समय अगर हम लोग देश को इस प्रकार से डिवाइड करें हमारी बहुत ही संकुचित राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर हम समाजों को तोड़े तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में नहीं है। इससे बाज आना चाहिए, इस चीज को विपक्ष ने बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपने संसद के अंदर राहुल गांधी का स्पीच तो देखा होगा, क्या कहेंगे उस स्पीच को सुनने के बाद? आप इतने सालों से विधानसभा के अंदर हैं पब्लिक फोरम में हैं, आपकी छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू हो गई थी तो हम जानते हैं कि आपने कितना शुरू से राजनीति में तय किया था अपना सफर। आप उस स्पीच को देखकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं और पहले से इमैच्योर हो गए हैं या समझ नहीं पा रहे उनको करना क्या है? देखिए इस स्पीच के ऊपर पूरे देश ने बोल दिया, अब मेरे बोलने का कोई मायना नहीं रहा। नहीं नहीं आप बोलेंगे तो एक हेडलाइन बनेगी कल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चलो इस बात की तो खुशी मनाए। देखिए चाहे कुछ हो जाए राहुल गांधी ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश में विपक्ष की एक प्रमुख पार्टियों में से एक पार्टी है तो उसके अध्यक्ष संसद में बोले तो इसलिए हम लोग क्योंकि पिछले कई वर्षों से कई संसद के अधिवेशनों से वो तो बोल ही नहीं रहे थे, केवल हंगामा खड़ा कर रहे थे।
संसद को चलने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था ना भूकंप आ जाएगा। हाँ, अब भूकंप कहाँ आया आपने तो देख लिया उनके बोलने के बाद। जो सोशल मीडिया में भूकंप आया है उसको रोकते रोकते मुझे लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नाक में दम भरा है। तो देखिए, अब उन्होंने जो भाषण किया है उसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छे भाषण की अपेक्षा देश में प्रमुख राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने फैक्चुअल बोलना चाहिए। ये कोई रास्ते पे का भाषण नहीं है। हम लोग संसद में बोल रहे हैं तो अपेक्षा इतनी है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कीजिए, आप सही बात कीजिए, आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप मुद्दों पर सवाल उठाइए। ये कोई इस प्रकार का मंच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा भाषण वो करे। देश की राजनीति में जैसे सत्ता पक्ष अच्छा होना चाहिए वैसे विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल उनको विपक्ष में काम करना है, तो इसमें वो और अच्छे तरीके से अपने भाषण को कैसे सुधार पाए ये उन्होंने देखना चाहिए। हेडलाइन दे दी वैसे आपने, 10 साल राहुल गांधी विपक्ष में। और आप तो किसी भी चीज की हेडलाइन बना सकते हैं भैया। इतना ही कहता हूं, जरूर हेडलाइन बनाइए, बस तोड़ मरोड़ कर मत बनाइए, जो फैक्चुअल है उसको बनाइए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता था सर। एक कंज्यूमर इंटरेस्ट का बड़ा फैसला है कि सिनेमा हॉल के अंदर अपना खाना ले जा सकेंगे, क्या महाराष्ट्र सरकार इसकी इजाजत देगी? क्योंकि अभी तो कोर्ट ही इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में तो हमने इस बारे में फैसला किया है और हम लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। अभी जो सिनेमा हॉल के जो मालिक है उनका कहना कुछ अलग है, लेकिन जनता को यह लगता है कि बहुत ओवर प्राइसिंग हो रहा है। कोई अपने घर से डिब्बा लेकर वहां जाना नहीं चाहता, यानी कोई भाई अपना टिफिन लेकर हम पिक्चर जाए और पिक्चर देखे, ऐसी मानसिकता नहीं है। लेकिन लोगों को यह लगता है कि भाई वहां पर जो चीजें हमको मिलती है वो बहुत ओवर प्राइज्ड है। तो मुझे लगता है अगर सिनेमा हॉल के मालिकों को यह लगता है कि लोग बाहर का खाना नहीं लाए तो उन्होंने उसको ठीक तरीके से प्राइसिंग करना चाहिए, तो लोग अपने आप वहां पर बाहर की चीजें लेकर नहीं जाएंगे। पर अगर आप ओवर प्राइसिंग रखोगे तो फिर लोगों को तो ये लगेगा ही भाई भारत देश में रुपए की चीज 125 रुपए में लोग ले लेंगे, पर रुपए की चीज अगर 10 रुपए में बेचोगे तो कोई नहीं लेने वाला। इतना अगर भारतीयों की मानसिकता को समझ ले तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं आएगा। मतलब आपने समझ लिया कि रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है सिनेमा हॉल में? बिल्कुल साहब। देखिए, आप देखिए सिनेमा हॉल का पॉपकॉर्न का आप कीमत देखिए, वहां के पानी की आप कीमत देखिए, वहां के और स्नैक्स की आप कीमत देखिए, तो ये बहुत ज्यादा कीमत है, इतनी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, लोगों की दिक्कत और समस्या की बात कर रहे हैं। परसों हमारा एक इवेंट था जहां धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात का उल्लेख किया कि पेट्रोल की कीमत को लेकर लोग चिंतित हैं और दिक्कत है, और स्टेट्स के साथ कंस्टेंटली बात चल रही है किस तरह से इसको जीएसटी में लाया जा सके, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उनको इफेक्ट करता है। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी भूमिका यह है कि अगर जीएसटी काउंसिल पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहता है तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अभी राज्यों की भी अड़चन को हम समझ ले, राज्य इसका समर्थन क्यों नहीं करते? तो जीएसटी के आने के बाद राज्यों के पास केवल पेट्रोल डीजल यही एक ऐसी चीज रही है कि जिसके अंदर वो टैक्स को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो कभी कभी राज्यों के ऊपर संकट आता है, ऐसे समय राज्य पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई सेस लगा देते हैं तो उसमें से उनको पैसा मिलता है उस संकट को दूर करने के लिए उनके पास। आज जीएसटी में तो सारे रेट तय है, तो इसलिए राज्यों को लगता है कि अभी जब तक जीएसटी स्टेबिलाइज नहीं होता तब तक हम लोग 4-5 साल इसको ऐसे ही रखे ताकि हम अगर तकलीफ में आए तो हमको कोई ना कोई जरिया हो थोड़ा पैसा और अधिक जुटाने का। लेकिन उसके साथ साथ ये भूमिका भी सही है धर्मेंद्र प्रधान जी की, चूंकि हम लोग टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। देखिए, इतने अलग अलग प्रकार के टैक्स पेट्रोल डीजल के ऊपर लगते हैं तो उन टैक्सेस के कारण निश्चित रूप से उसके भाव बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते हैं और कोई एक राज्य इसका फैसला नहीं कर सकता। देखिए, इसका फैसला ये जीएसटी काउंसिल को करना पड़ेगा, लेकिन काउंसिल जिस समय इस फैसले पर जाएगी महाराष्ट्र उसका समर्थन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आप आए, आपने हमसे इतनी लंबी बातचीत की। नाउ इट्स ओवर टू यू श्री रेन एंड पूर्णिमा। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार।